पे गुड मॉर्निंग टू ऑल प्रेजेंट स्टूडेंट इन द क्लास. डियर स्टूडेंट, टुडे इट इज द लाइव क्लास फॉर यू एंड वी आर रेडी टू मूव इन दिस टाइम टू डिस्कस अबाउट द optical instrument, and this optical instrument is also the human eye. सभी उपस्थित छात्र एवं छात्राओं को सुबह आज शनिवार का मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना. उम्मीद है आज शनिवार को आप सभी फ्रेश होकर और एकदम शुद्ध मस्तिष्क से पढ़ाई के लिए बैठे होंगे. प्रतिदिन ऑफलाइन क्लास में एकदम फेस टू फेस हम लोग हुआ करते थे. आज अभी ऑनलाइन क्लास में हम सुबह डायरेक्ट आपसे लाइव है और बताने वाले हैं इसमें आपको मानव नेत्र में कौन कौन से कठिन स्थितियां उत्पन्न होती है, कौन कौन सी कठिन स्थितियां मानव नेत्र में उत्पन्न होती है. उतना रहेगा ही नहीं वो. मानव नेत्र में कौन कौन सी कठिन स्थितियां उत्पन्न होती है ये आपको आज हम बताने वाले हैं. पिछले क्लास में मानव नेत्र पढ़ाए थे और मानव नेत्र में जो पिछले क्लास में पढ़ाए थे उसमें मानव नेत्र से संबंधित बहुत सारे पॉइंट को हम लोग डील किए थे और अब आज उसी में से पहले आगे बढ़ते हैं और उसमें से अब पॉइंट नंबर 14 तक बताए थे और अभी हम आपको अब पॉइंट नंबर 15 से स्टार्ट कर रहे हैं. तो देखिए पॉइंट नंबर 15. देखिए भाई, तो पॉइंट नंबर 15 में अब तो फिक्स हो गया है, उसको हिलाना नहीं है. अब ये जो है यहाँ पर पॉइंट नंबर 15 पर हम लोग चलने वाले हैं और पॉइंट नंबर 15 में नोट कीजिए. मोस्ट सूटेबल कलर फॉर वुमेन आई एज ग्रीन कलर. मोस्ट सुटेबल कलर फॉर वुमेन आई इज ग्रीन कलर. इसका मतलब हुआ, हिंदी हुआ,
मानव नेत्र के लिए सबसे उपयुक्त रंग हरा रंग होता है। मानव नेत्र के लिए सबसे उपयुक्त रंग हरा रंग होता है। मानव नेत्र के लिए सबसे उपयुक्त रंग हरा रंग होता है। देखिए, आप सुने होंगे बचपन से अपने पेरेंट्स से, अपने सीनियर से, कि देखो सुबह सुबह हरी भरी पत्तियां, हरे भरे घास, हरे भरे चीजों को पौधों को देखने से आंख की रोशनी बढ़ती है। क्यों भाई? इसलिए क्योंकि ग्रीन कलर जो है आंख के लिए सबसे उपयुक्त कलर है, क्योंकि इसमें ना तो ज्यादा डिविएशन है ना तो कम डिविएशन है। द ग्रीन कलर इज मोस्ट सुटेबल ड्यू टू इट इज ऑल्सो यूज एज द मेन कलर एंड द एंगल ऑफ डिविएशन फॉर ग्रीन कलर इज एवरेज एंड सो इन दिस कंडीशन वी हैव डिस्कस अबाउट इन दिस पॉइंट द ग्रीन कलर इज मोस्ट सुटेबल एंड परफेक्ट कलर फॉर वुमेन आई। मानव नेत्र के लिए, हमारी आंखों के लिए सबसे अच्छा रंग हरा रंग होता है, याद रखना है। नंबर सिक्सटीन, मोस्ट परफेक्ट आइडेंटिफाइड कलर फॉर वुमेन आई एज येलो कलर। देखिए भाई, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 16 आपके सामने है, मोस्ट परफेक्ट आइडेंटिफाइड कलर फॉर वुमेन आई इज येलो कलर। इसका हिंदी हुआ, मानव नेत्र के लिए पहचाना जाने वाला, मानव नेत्र के लिए पहचाना जाने वाला सबसे अच्छा रंग पीला रंग होता है। मानव नेत्र के लिए पहचाना जाने वाला सबसे अच्छा रंग पीला रंग होता है। क्लियर है? तो मानव नेत्र के लिए पहचाना जाने वाला सबसे अच्छा रंग कौन रंग है? पीला रंग है। लेकिन अभी क्या पढ़े थे कि सबसे सुटेबल कलर कौन है? हरा रंग है। आखिर हरा और पीला रंग में कभी कभी बहुत से स्टूडेंट या बहुत से व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, आखिर इसका पीछे रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन फॉर द ग्रीन कलर एंड येलो कलर? बिकॉज देयर आर 7 कलर्स अवेलेबल इन द व्हाइट लाइट। श्वेत प्रकाश में 7 रंग है, तो 7 रंग है तो 3 हो गया इधर, 3 हो गया इधर, तो बीच में कौन पड़ा? ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर इसलिए आंख के लिए सबसे अच्छा है। लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिकल से निकालते हैं, एवरेज वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ पर तब येलो कलर आता है। तो वैसी स्थिति में हम लोगों का आंख सबसे पहले किस रंग को आइडेंटिफाई करता है? येलो कलर को। तो याद रखना है, येलो कलर जो है आंख द्वारा सबसे पहले पहचाना जा सकता है। आगे है नंबर 7, मोस्ट डेंजरस कलर फॉर वुमेन आई इज वायलेट कलर। देखिए भाई, देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, मोस्ट डेंजरस कलर फॉर वुमेन आई इज वायलेट कलर। देखिए भाई, हिंदी हुआ, आग के लिए सबसे खतरनाक रंग बैंगनी रंग है। आग के लिए सबसे खतरनाक रंग बैंगनी रंग है। अब यहां पर कुछ बच्चों को, कुछ स्टूडेंट को माइंड में आया होगा कि सबसे खतरनाक रंग तो आप लाल रंग पढ़ाए थे। लाल रंग जो है वो डेंजर सिग्नल के लिए खतरनाक है, क्योंकि लाल रंग का वेवलेंथ ज्यादा है। लेकिन यहां पर आंख से
किसी लाइट में देखने का बस चीज है, मामला है। अगर मान लीजिए आप हरे रंग के चीजों को देख रहे हैं तो आपके आंखों में कोई डिविएशन नहीं आएगा, पीला रंग के चीजों को देख रहे हैं तो आंखों में जो डिविएशन है उसी तरह बहुत मिनिमम होगा, आइडेंटिफिकेशन बहुत आसानी से होगा। लेकिन ये जो बैंगनी रंग है, इसका हिंदी तो बोल चुके ना कि आंख मानव नेत्र के लिए सबसे खतरनाक रंग बैंगनी रंग है। क्यों है वही समझा रहे हैं, बैंगनी रंग इसलिए खतरनाक है क्योंकि बल्ब हम लगा दिए, मान लीजिए बैंगनी लाइट निकल रहा है इसमें, तो इसमें हम पढ़ाई करेंगे तो बैंगनी लाइट का एंगल ऑफ डिविएशन क्या है, बहुत कम है, और उसमें जब हम देखेंगे तो हमारी आंखों में एंगल ऑफ डिविएशन इतना कम होने से अक्षर जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, और जब हम अक्षर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो उसमें हमारी आंखें एक घंटा दो घंटा पढ़ने के बाद दर्द करने लगेगी। इसलिए बैंगनी रंग जो है वो डेंजरस कलर माना जाता है फॉर वुमेन आई के लिए। आगे है 18, 6x6 विजन इज द बेस्ट विजन साइट फॉर ह्यूमन आई। देखिए भाई, हिंदी हुआ इसका 6x6 दृष्टि मानव नेत्र के लिए सबसे अच्छा दृष्टि होता है। 6x6 दृष्टि मानव नेत्र के लिए सबसे अच्छा दृष्टि होता है। अब देखिए, आप बोलेंगे 6 और 6 ये क्या हुआ। देखिए 6x6 क्या हुआ, अब बताते हैं। अगर कभी आप डॉक्टर के पास आंख चेक कराने गए हैं तो वहां पर उसके पास एक टेबल होता है, चार्ट होता है। आज ये प्रीमियर क्लास नहीं है, लाइव क्लास है डायरेक्ट, इसलिए हम इसमें आपको टेबल अभी नहीं दिखा पा रहे हैं। इसका टेबल आपको अगले क्लास में दिखाएंगे। इस तरह का टेबल होता है, शुरू में बड़ा लेटर होता है, फिर थोड़ा छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, कई पंक्ति बना होता है। तो वहां पर नीचे से जो पंक्ति है पहला, उसको अक्षर को अगर आप 6 मीटर के दूरी पर से देख लिए तो 6 मीटर, ये 6 जो बता रहा है ना, 6 मीटर का दूरी मतलब लगभग 20 फीट, तो 20 फीट के दूरी से अगर पहला लाइन को आप ठीक से पढ़ लेते हैं तो आपका आंख जो है 6x6 का है, समझ रहे हैं। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, इट इज ऑब्जर्व एट डिस्टेंस 6 मीटर 20 फीट। इट इज ऑब्जर्व एट 6 मीटर द फर्स्ट लाइन ऑफ विजन चार्ट। देखिए भाई, तो किसी भी तरह के एग्जाम में भी जब मेडिकल होता है उसमें भी आंख को चेक किया जाता है। तो इसका हिंदी हो गया, यह 6 मीटर के दूरी से, यह 6 मीटर के दूरी से दृष्टि चार्ट के पहला लाइन को देखने के लिए होता है। यह 6 मीटर के दूरी से दृष्टि चार्ट के पहला लाइन को देखने के लिए होता है। तो देखिए, तो 6x6 का मतलब है ये 6 मीटर के दूरी से हम लोग अगर विजन चार्ट को पहला लाइन को पढ़ लेते हैं, इसका मतलब है कि हमारी आंख एकदम परफेक्ट है, अच्छा आंख है। अब अगर हम 6x9 देखेंगे तो, 6x12 देखेंगे तो, 6x9 का मतलब हुआ कि 9 मीटर के डिस्टेंस पर
दूसरा लाइन को आप पढ़ पा रहे हैं। 6/12 का क्या मतलब हुआ कि 12 मीटर के दूरी पर आप तीसरा लाइन पढ़ रहे हैं। तो अगर 6 मीटर के दूरी पर पहला लाइन पढ़े, 9 मीटर के दूरी पर दूसरा लाइन पढ़े, 12 मीटर के दूरी पर तीसरा लाइन पढ़े, तो इस प्रकार से आपकी आंखें उतनी खराब होते जा रही है। समझ रहे हैं? तो यहां पर अब पॉइंट नंबर लिखते हैं हम लोग। ये हो गया फर्स्ट लाइन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से चलता है। ये है विजन चार्ट। देखिए ये विजन चार्ट है। शुरू में ये 6/5 होता है, ये 5 मीटर का डिस्टेंस पर होता है। 5 मीटर, 6/5, ये भी अच्छा नहीं माना जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि आंख के लिए ना तो लाल रंग अच्छा है ना तो बैंगनी, मध्य रंग अच्छा है। तो 6/6 जो है, 6/6 जिसकी आंख है, इसका मतलब वो 6 मीटर की दूरी पर सेकेंड लाइन को, यानी कि फर्स्ट लाइन, यहीं से मेन माना जाता है। ये बिलो हो गया, यहां से आइडेंटिफाई नहीं होता है। यहां से मैन स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, इस तरह से चलेगा। तो यहां से मैन जो है ये फर्स्ट लाइन यहां से ऑब्जर्व होता है, ये बिलो हो गया, ये बिलो वाला आइडेंटिफाई नहीं होता है। अब यहां पे अगर हम 6/9 लिखते हैं, इसका मतलब ये 9 मीटर के डिस्टेंस पर दूसरा लाइन पढ़ना है, सेकेंड लाइन। ये हो गया सेकेंड लाइन। अगर हम 6/12 देखते हैं, इसका मतलब हुआ कि 12 मीटर के डिस्टेंस पर थर्ड लाइन को पढ़ना है, 12 मीटर के डिस्टेंस पर थर्ड लाइन को पढ़ना है। तो अगर 5 मीटर अच्छा रेंज नहीं है, 6 मीटर फर्स्ट लाइन हुआ, यहां से अगर 6 मीटर के दूरी पर उस वैल्यू को आप देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, तो आपका आंख क्या है, 6/6 है। 9 मीटर के दूरी पर सेकेंड लाइन पर रेत क्या है, 6/9 है। 12 मीटर के दूरी पर थर्ड लाइन पर रेत क्या है, 6/12 है। तो इस प्रकार से आंख का जो है विजन साइट को आइडेंटिफाई किया जाता है। इसी प्रकार से 6/24 होता है, 6/36 होता है, इसी तरह से चलते जाता है। तो याद रखना है सबसे अच्छा आंख का साइट कौन है, 6/6 माना जाता है। क्लियर है? आगे है अब पॉइंट नंबर 19। द वुमेन आई कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी बिफोर 6 आवर्स। देखिए भाई, 19 नंबर का हिंदी है, मानव नेत्र को 6 घंटा के अंदर, मानव नेत्र को 6 घंटा के अंदर एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित किया जा सकता है। मानव नेत्र को 6 घंटा के अंदर एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित किया जा सकता है।
देखिए, हॉस्पिटल में या टीवी पर या और भी स्थानों पर आप देखेंगे लिखा मिलेगा आपको नेत्रदान महादान, लिखा मिलता है नेत्रदान महादान। ये क्या हुआ भाई? क्या नेत्र जो है दान होता है? नेत्रदान का यहां मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये हुआ कि आंख जो है मनुष्य का जब पूरी तरह आंख खराब हो जाता है तो फिर उस तरह का आंख आर्टिफिशियली बनाना संभव नहीं है। तो फिर अगर कोई आदमी का किसी एक्सीडेंटल मामला में डेथ हो गई तो उस आदमी के आंख को दूसरे आदमी के आंख में प्रत्यारोपित किया जा सकता है, और ये तब संभव है जब केवल 6 घंटा का मामला हो। 6 घंटा से ज्यादा होगा तो फिर वो आंख ट्रांसप्लांट नहीं हो पाएगा। इसलिए याद रखना है, ये भी एक क्वेश्चन है कि किसी एक आदमी से दूसरे आदमी में आंख को कितने देर में ट्रांसफर कर सकते हैं, इसका लिमिट है 6 आवर के अंदर ही होना चाहिए। क्लियर है? अगला पॉइंट, तो आज डायरेक्ट लाइव क्लास है, अभी आपको चैटिंग का कंडीशन उपलब्ध नहीं है, इसमें आप चैटिंग नहीं कर पा रहे होंगे, और इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप डायरेक्ट क्लास पे ध्यान दें। तो जो क्वेश्चन पूछना होगा आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से पूछिए, मन में अभी जो क्वेश्चन है उसको कॉपी में नोट कर लीजिए, जो क्वेश्चन डाउट होगा उसको नोट कर लीजिए और उसको हमको व्हाट्सएप से भेजिए, हम आपको सेंड कर देंगे उसका आंसर जवाब। चलिए अगला नंबर है 20। द रिसोल्यूशन लिमिट ऑफ वुमेन आई एज 576 मेगा पिक्सल। देखिए भाई, ये भी एक बड़ा प्रचलित नाम है मेगा पिक्सल, इसका हिंदी लिखिए मानव नेत्र का विभंजन सीमा। मानव नेत्र का विभंजन सीमा 576 मेगा पिक्सल होता है। मानव नेत्र का विभंजन सीमा 576 मेगा पिक्सल होता है। देखिए मेगा पिक्सल, मेगा मतलब 10^6 और पिक्सल मतलब, यहां पर अगर हम मेगा की बात करें तो मेगा का मतलब होता है 10^6। अगर मेगा हम कहीं भी यूनिट यूज करते हैं मेगा, तो उसका मतलब है 10^6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वहां क्या करते हैं 10^6 से मल्टीप्लाई करते हैं उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, तो मेगा हुआ 10^6। ये पिक्सल क्या हुआ? पिक्सल इज द यूनिट, ये यूनिट पिक्सल मतलब क्या, आंख हमारा कितना घूम पा रहा है। हम लोग अगर यहां पर खड़े हैं सीधा तो हमारा आंख यहां तक देख रहा है, यहां तक देख रहा है, तो ये कितना तक देख पा रहा है हमारी आंख, यही हुआ इसका मेगा पिक्सल। तो मानव नेत्र का मेगा पिक्सल 576 होता है, कितना यहां आंख जो है घूम पा रहा है। अब आजकल कुछ गाड़ी कार सब में भी निकल गया है, अगर जैसे गाड़ी मोड़ेंगे तो उसका लाइट इधर घूम जाता है 180 डिग्री से घूम जाता है, ऐसा सब भी गाड़ी निकल गया है, ऐसा सब भी लाइट निकल गया है। लेकिन कैमरा आईफोन में अभी तक 12 मेगा पिक्सल का ही निकला है, उससे ज्यादा नहीं निकला है, लेकिन हम लोगों के आंख 576 मेगा पिक्सल है। समझ गए? आगे देखिए, तो ये था आपका रिमेंबर पॉइंट, यह पूरा हो गया। अब रिमेंबर पॉइंट पूरा होना हो गया है, 1 नंबर से 20 नंबर तक ये बात आपको एकदम याद कर लेना है,
इसमें एक भी पॉइंट आपको छूटना नहीं चाहिए। 1 से 20 तक लिखाए हैं, ये सब बात अगर आप क्लियर कर लिए तो मानव नेत्र से संबंधित सारा चीज क्लियर रहेगा। नेक्स्ट, डिफेक्ट ऑफ विजन, दृष्टि दोष। यहां पे साइनिंग तो नहीं हो रहा है भाई, चले ये सब सब दिख रहा है। डिफेक्ट ऑफ विजन, डिफेक्ट ऑफ विजन का मतलब हुआ दृष्टि दोष। देखिए भाई, दृष्टि दोष है क्या, पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। द डिफरेंट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज डेवलपिंग ह्यूमन आई ड्यू टू डिफरेंट कॉजेज। इट इज नॉन एज डिफेक्ट ऑफ विजन। देखिए भाई, हिंदी हुआ मानव नेत्र में विभिन्न कारणों से, मानव नेत्र में विभिन्न कारणों से विभिन्न प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। मानव नेत्र में विभिन्न कारणों से विभिन्न प्रकार का दोष उत्पन्न होता है, इसे ही दृष्टि दोष कहा जाता है। देखिए, याद कीजिए बचपन की बात। हम लोगों के पेरेंट्स, गार्जियन कहा करते थे कि देखो, आंख में पानी का छिट्टा दो, 2 मिनट 5 मिनट मुंह में पानी भर लेना है, आंख में छिट्टा देना है। इसलिए भाई आंख का रोशनी बढ़ जाएगा। सुबह खाली पैर घास पे चलना है, इसलिए भाई आंख का रोशनी बढ़ेगा। ऐसी बहुत सारी चीजें प्रचलित हैं हमारे समाज में। और जब हम छोटा थे उस समय मेरे भी पिताजी ये हमें प्रतिदिन करवाते थे, लेकिन हो सकता है आज बड़ा होने पर हम प्रतिदिन ये चीज नहीं कर पा रहे। उससे क्या हो रहा है, आई साइट इफेक्टेड हो रहा है। और अभी मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, ये तो मानव नेत्र को बहुत डैमेज कर रहा है। तो बहुत सारी सावधानियों के बावजूद आंख में कुछ दोष उत्पन्न हो जाता है, और इसी प्रकार के दोष को दृष्टि दोष कहा जाता है। तो आंख में जो विभिन्न प्रकार का दोष उत्पन्न होता है, इस प्रकार के दोष को ही हम लोग क्या कहते हैं जी, दृष्टि दोष कहते हैं। प्रश्न यह है कि दृष्टि दोष जो है कितने प्रकार का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन। देर आर 4 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन मेनली। तो याद रखना है, दृष्टि दोष 4 प्रकार का होता है। तो यहां पर हम लोग
लिखेंगे देयर आर फोर टाइप ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन, दृष्टि दोष चार प्रकार का होता है। तो देखिए भाई, तो याद रखना है आंख में विभिन्न कारणों से दोष उत्पन्न हो जाता है, उस प्रकार के दोष को ही क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। अब गौर कीजिए कौन कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो दृष्टि दोष चार प्रकार का होता है, दृष्टि दोष चार प्रकार का होता है। नंबर वन में है मायोपिया। मायोपिया, मायोपिया को हम लोग शॉर्ट साइटनेस कहते हैं, मायोपिया को शॉर्ट साइटनेस कहते हैं। और दूसरा नंबर में है हाइपरमेट्रोपिया, इसको हम लोग लॉन्ग साइटनेस कहते हैं। तो पहला नंबर हो गया मायोपिया शॉर्ट साइटनेस, दूसरा नंबर हो गया हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइटनेस। अब तीसरा नंबर में है प्रेस बायोपिया, और चौथा नंबर में है एस्टिगमैटिज्म। तो आंख में और भी कई तरह का डिफेक्ट होता है, लेकिन दृष्टि दोष आंख में फोर टाइप का होता है। तो याद रखना है देयर आर फोर टाइप्स ऑफ डिफेक्ट ऑफ विजन इन वुमेन आई। तो यहां पर अब हिंदी भी इसका लिख लेना है। पहले नंबर का हिंदी है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। दूसरा नंबर का हिंदी है दीर्घ दृष्टि दोष। तीसरा नंबर का हिंदी है जरा दृष्टि दोष, और पांच चौथे नंबर का हिंदी है अविंदुकता। यहां तक दिख रहा है? चलिए साफ साफ दिख रहा है सबको, नोट कीजिए। तो देखिए भाई, आंख में बहुत सावधानी बरतने के बावजूद दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है, और इस प्रकार के डिफेक्ट को हम लोग वाजब में डिफेक्ट ऑफ विजन कहते हैं, और ये फोर टाइप का होता है, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया प्रेस बायोपिया और एस्टिगमैटिज्म। अब वन बाय वन इस चारों को पढ़ना है, ये क्यों होता है, ये इसका कारण क्या है, इसका उपचार क्या है, ये सारी बात को हम लोगों को वन बाय वन जो है पढ़ना है। और अगर आप वन बाय वन सीरियल वाइज हर एक पॉइंट को क्लियर पढ़ जाएंगे तो कभी भी इस पर कोई न्यूमेरिकल आएगा, क्वेश्चन आएगा, वन मार्क्स टू मार्क्स कुछ भी आ जाएगा, आराम से आप बना सकते हैं। बस केवल दिमाग स्थिर करके ध्यान से पढ़ते चलिए। थोड़ा इंक इसमें भर लेते हैं, उसके बाद तब फिर बताएंगे, तब तक नोट कर लीजिए बढ़िया से। हर चीजों में एनर्जी का जरूरत पड़ता है, इंक पेन के लिए क्या है, एनर्जी है, और ये एनर्जी इसको मिलेगा तभी ये चलेगा। हम लोग भी खाना खाते हैं तभी ना बोल पाते हैं, चल पाते हैं।
तो यहां तक आप नोट कर चुके हैं। अब चलिए पहला नंबर स्टार्ट करते हैं हम लोग, मायोपिया। व्हाट इज मायोपिया? फर्स्ट नंबर है व्हाट इज मायोपिया। नंबर वन मायोपिया। देखिए भाई, मायोपिया का दूसरा नाम आपको पता ही है क्या होता है, शॉर्ट साइटनेस। हिंदी क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। तो मायोपिया का हिंदी क्या है, निकट दृष्टि दोष। अब इसमें सबसे पहले डिफिनेशन, डिफिनेशन, व्हेन द डिफेक्टेड पर्सन, व्हेन द डिफेक्टेड पर्सन कैन ऑब्जर्व, ऑब्जर्व का मतलब यहाँ पे लुक, लुक का मतलब तो जानते हैं, देखना। व्हेन द डिफेक्टेड पर्सन कैन ऑब्जर्व द नियर ऑब्जेक्ट वेरी क्लियरली बट नॉट ऑब्जर्व द डिस्टेंट, डिस्टेंट का मतलब होता है फार, बट नॉट ऑब्जर्व द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, इट इज कॉल्ड मायोपिया। डियर स्टूडेंट, एट दिस मोमेंट मायोपिया इज ऑन द स्क्रीन, ऑन द बोर्ड, एंड इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड वेरी वेल व्हाट इज मायोपिया, व्हाई द मायोपिया इज डेवलप्ड इन आवर ह्यूमन आई, हाउ कैन द मायोपिया इज रिमूव्ड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन is can be developed in this condition. But you must remember that any type of defect is depend upon different cause, and such type of cause is also developed due in the different condition. मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, ये जो मानव नेत्र में होने वाला दृष्टि दोष है, ये विभिन्न कारणों से होता है, और इस प्रकार का दृष्टि दोष बहुत से स्थितियों में बहुत से कंडीशन के कारण डेवलप कर जाता है। अब इसका हिंदी लिखिए, जब जब कोई ग्रसित व्यक्ति, जब कोई ग्रसित व्यक्ति नजदीक के वस्तु को साफ साफ देख सकता है, जब कोई ग्रसित व्यक्ति नजदीक के वस्तु को साफ साफ देख सकता है लेकिन दूर के वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, लेकिन दूर के वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, तब इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं, तब इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब देखिए, निकट दृष्टि दोष का आपने इंग्लिश में और हिंदी में डिफिनेशन लिख लिया है, अब आपको बात है आगे का समझने का। तो देखिए, इसमें आपको पांच बातों पर ध्यान देना होगा। मायोपिया को अगर आपको क्लियर रखना है, मायोपिया को अगर आपको अच्छी तरह से क्लियर रखना है, तो पांच बात पे ध्यान देना पड़ेगा। पहला पहला बात है इसका डिफिनिशन। डिफिनिशन इसका समझ गए, एक ऐसा दृष्टि दोष जिसमें कोई प्रभावित व्यक्ति, ग्रसित व्यक्ति नजदीक के वस्तु को देख सकता है लेकिन दूर के वस्तु को नहीं देख सकता है, इस प्रकार के दृष्टि दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। अब इसको याद कैसे रखेंगे जी,
बहुत से विद्यार्थी को अभी तो पढ़ा रहे हैं तो अभी तो सब बोल देगा, लेकिन अगर हम 5 दिन बाद, 1 महीना बाद, 6 महीना बाद पूछेंगे तो बहुत सारा विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है। पता है कैसे? कहता है कि सर मायोपिया निकट दृष्टि दोष है ना, तो निकट का नहीं देखेगा, निकट दृष्टि दोष है ना तो निकट का नहीं देखेगा, कंफ्यूज हो जाता है। ऐसा नहीं है बालक, निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखाई पड़ता है, कंफ्यूज नहीं होना है। निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखाई पड़ता है, दूर का दिखाई नहीं पड़ता है। सब समझाएंगे, ध्यान से समझते जाइए। देखिए तो यहां पर इस तरह से याद रखिएगा, रिमेम्बर, इस तरह से याद रखना है, कंफ्यूज नहीं हो जाना है, डोंट बी कंफ्यूज, याद रखना है। यहां पर एक हम लोग आंख बना लिए, ऐसे बना लिए, ये आंख हो गया, ये हो गया नियर ऑब्जेक्ट, ये हो गया नियर ऑब्जेक्ट, और ये हो गया डिस्टेंट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। देखिए भाई, डिस्टेंस ये नहीं है, डिस्टेंस मतलब दूरी होता है, डिस्टेंट मतलब दूर होता है, डिस्टेंस मतलब दूरी, डिस्टेंट मतलब दूर। ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब बहुत दूर में ऑब्जेक्ट है, ये नियर ऑब्जेक्ट को देख पाता है लेकिन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता है। एग्जाम्पल, इस तरह का जिसको दृष्टि दोष हो जाएगा इसको किताब सब पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन दूर के वस्तु को पहचानने में दिक्कत होगा, तो इसी को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में आदमी को समाचार पत्र किताब पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूर के वस्तु को पहचानने में, देखने में दिक्कत है। इसलिए निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखाई पड़ता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं पड़ता है। अब इसका कारण क्या है भाई, ये निकट दृष्टि दोष हुआ क्यों, इसको भी समझना है, कारण क्या है। देखो बच्चों, निकट दृष्टि दोष होने का 2 कारण है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिफरेंट काउच व्हिच डेवलप द मायोपिया, 2 different causes is the main factor of myopia. Myopia का 2 कारण है होने का। पहला कारण है due to increase in eyeball पढ़ाए थे जी, eyeball क्या है, नेत्र गोलक, फिगर भी बताए होंगे, डिजिटल फिगर भी बताए होंगे, आई बॉल, इसका हिंदी हुआ नेत्र गोलक बढ़ने के कारण। पहला का हिंदी हुआ नेत्र गोलक बढ़ने के कारण, तो मायोपिया होने का 1 कारण क्या है, नेत्र गोलक बढ़ने के कारण। दूसरा देखिए, दूसरा है ड्यू टू डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, ड्यू टू डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, हिंदी हुआ नेत्र लेंस के फोकस दूरी घटने के कारण, नेत्र लेंस के फोकस दूरी घटने के कारण। तो देखिए भाई, निकट दृष्टि दोष होने का 2 कारण है। पहला कारण है नेत्र गोलक बड़ा होने के कारण, दूसरा है नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ने के कारण। तो 2 कारणों से मायोपिया डेवलप होता है, समझ गए। ये था आपका डिफिनेशन, ऐसे करके याद रखना है, रिमेम्बर, और ये कारण होने का, मायोपिया होने का। तो 3 बात हो गया, डिफिनेशन, रिमेम्बर, कारण, डिफिनेशन, रिमेम्बर, कारण, तीनों समझ गए। अब डायग्राम समझाते हैं, अब इसका डायग्राम है, अब डायग्राम से अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए। डायग्राम देखो बच्चों, ध्यान देना है,
डायग्राम पर, डायग्राम इज मोस्ट हेल्पफुल टू क्लियर द कंसेप्ट एंड इट इज मोस्ट नेसेसरी टू एक्सप्रेस एनीथिंग। फिगर जो है किसी भी चीजों को क्लियर करने का एक बहुत अच्छा माध्यम होता है। फिगर के द्वारा हम लोग देखकर किसी को पहचान लेते हैं। आपने महात्मा गांधी को नहीं देखा, देखा है? नहीं देखा, लेकिन महात्मा गांधी का फोटो देखकर कहते हैं कि यही महात्मा गांधी है। बहुत ऐसी चीजें हैं। आपने भगवान को नहीं देखा, लेकिन किसी भगवान का, किसी देवी देवताओं का मूर्ति से देखकर, फोटो देखकर पहचानते हैं कि ये दुर्गा माँ है, ये सरस्वती माँ है। तो फोटो आइडेंटिफिकेशन बताता है। तो डायग्राम मायोपिया को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ध्यान दीजिए डायग्राम पर। ये है आई बॉल और ये है आई लेंस। इट इज द आई बॉल, ये आंख का नेत्र गोलक है, नेत्र गोलक है। कल भी इसका फिगर बताए थे, डिजिटल फिगर बताए थे, उसमें देखिएगा एकदम गोलाकार होता है। ये नेत्र गोलक है, यहां पर ये लेंस है। लाइट इस पर पड़ा और ये सीधा रेटिना पर पहुंच गया, तो इमेज रेटिना पर बन रहा है। इसका मतलब है इस आंख में अभी कोई दोष नहीं है, तो यहां पर लिख सकते हैं नो डिफेक्ट, इसमें कोई दोष नहीं है। रेटिना पर इमेज बन रहा है, आंख में कोई दोष अभी नहीं हुआ है। आगे ध्यान दीजिए, आगे ध्यान देना है। आगे ध्यान दीजिए भाई। अब जो है नेत्र गोलक बड़ा हो गया, नेत्र गोलक क्या हो गया? बड़ा हो गया। अब मन में लग रहा होगा नेत्र गोलक बड़ा कैसे हो जाता है? नेत्र गोलक विभिन्न कारणों से बड़ा हो सकता है। अगर आप जब खाना बनाते हैं उस समय जो गर्मी टेम्परेचर होता है उससे हो सकता है, किसी प्रकार का इंफेक्शन अगर आंख में हुआ उससे नेत्र का गोलक बड़ा हो सकता है। तो बड़ा होने का नेत्र गोलक बहुत सारा कारण होता है। तो ये नेत्र गोलक आपका बड़ा हो गया। अब अगर अगर ये नेत्र गोलक बड़ा हो गया, इसमें इंफेक्शन से हो गया, विभिन्न कारणों से हो गया, तो अब नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है बाबू, नेटवर्क कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए तो यहां पर नेत्र गोलक क्या है? अभी नो डिफेक्ट। अब ये नेत्र गोलक क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो जब ये नेत्र गोलक बड़ा हो गया इंफेक्शन से, तो अब इसको दवाई से ठीक करना संभव नहीं है। इसके लिए तब ऑपरेशन भी संभव नहीं है, क्योंकि इसको काट छांट के छोटा बनाना संभव नहीं है। तब इसमें अब चश्मा लगाना पड़ेगा। तो पहले देखिए, इसमें नेत्र गोलक जब बड़ा हो गया तब क्या हुआ? नेत्र गोलक बड़ा हो जाने से इसका इमेज रेटिना से पहले ही बन गया और ये इसका मेन डिफेक्ट हो गया। तो जब नेत्र गोलक बड़ा हो गया तब इसमें इमेज रेटिना से पहले बन गया और इसीलिए इसको निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। तो निकट दृष्टि दोष इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इमेज रेटिना से पहले बन गया, लेंस के निकट बन गया और इसीलिए इसका नाम निकट दृष्टि दोष पड़ा। अब आगे देखिए, यह ठीक कैसे होगा? इसको ठीक करने का अभी बोल रहे थे कि इसको दवाई से ठीक नहीं होगा, ये मायोपिया दवाई से ठीक नहीं होगा, ऑपरेशन भी इसका संभव नहीं है। तो फिर अब चश्मा पहनना पड़ेगा। कौन सा चश्मा? अवतल लेंस का चश्मा इसमें लगाना पड़ता है उपचार के रूप में। तो यहां पर अब इसमें कनकेव लेंस का चश्मा लगाया जाता है और कनकेव लेंस का चश्मा इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये लाइट को डाइवर्ज कर देता है और फिर इमेज रेटिना पर बन जाता है।
इट इज द रिमूवल डायग्राम। ये कौन सा डायग्राम है? रिमूवल डायग्राम है। ये कौन सा डायग्राम है? डिफेक्टेड डायग्राम है। तो देखिए भाई, तीन डायग्राम आपके सामने है। इसमें पहला डायग्राम बताता है कि आंख में कोई दृष्टि दोष नहीं है। दूसरा डायग्राम बताता है कि नेत्र गोलक बड़ा हो गया, जिसके चलते इमेज रेटिना से पहले कट गया। इसका मतलब लेंस की फोकस दूरी कम हो गई, इसलिए ये आदमी को पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा, लेकिन दूर के वस्तु को देखने में दिक्कत आएगी। आगे है इसमें कि अब इसको ठीक कैसे किया जाएगा। तो यहां पर इस प्रकार के डिफेक्ट को हम लोग कनकेव लेंस का चश्मा लगाकर ठीक कर सकते हैं। तो यहां पे इस जगह लिख लेना है मायोपिया कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग कनकेव लेंस एज स्पेक्टेकल्स। देखिए भाई, इसका हिंदी हुआ निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस का चश्मा के रूप में उपयोग करने से दूर किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस का चश्मा उपयोग करके दूर किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस का चश्मा लगाकर दूर किया जा सकता है। तो ये हो गया इसका डायग्राम, ये हो गया इसका लैंग्वेज। लिख लिए। अब ध्यान देना है इसमें कैलकुलेशन पर। कैलकुलेशन इसका देखिए। कैलकुलेशन लेंस फार्मूला 1/v - 1/u = 1/f, यही फार्मूला होता है लेंस फार्मूला। तो यहां पर u का मान जो है वो हो जाएगा इंफिनिटी, और v का मान तब क्या ले लेंगे, x। x का मान 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर v का मान कितना हो गया, x, माइनस होगा, क्योंकि यहां पे लाइट जब इधर से आया तो लेफ्ट से राइट आया, और यहां जब इधर मापेंगे तो राइट टू लेफ्ट मापेंगे, इसलिए इसका मान क्या होगा, निगेटिव होगा। अब इसका हम डायग्राम इधर तो आप नोट कर लिए है ना, डायग्राम सब नोट हो गया है सबका, इसको इधर का ओमिट कर रहे हैं। देखिए कैलकुलेशन यहां से चल रहे हैं, यहां पर ऐसे करके लिख सकते हैं देयरफॉर 1/v - 1/u = 1/f है। 1/v का वैल्यू कितना हो गया, माइनस एक्स। यू का वैल्यू कितना हो गया, इनफिनिटी, क्योंकि वस्तु अब आपको निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अब वस्तु कहां तक देखना है, अनंत तक, क्योंकि नजदीक का तो देख ही रहा था, दूर का नहीं देख रहा था जी, इसलिए यू का मान क्या लेना पड़ेगा, इनफिनिटी। तो यहां पर इनफिनिटी और ये 1/f, ये -1/x = 1/f, यहां पे हम लोग देख सकते हैं इसका मान कितना आ गया। अब पावर ऑफ लेंस, इसमें पावर ऑफ लेंस का मान, पावर ऑफ लेंस p = फॉर्मूला होता है 1/f × 100। पावर ऑफ लेंस का क्या फॉर्मूला है, 1/f × 100। अब देखिए 1/f का वैल्यू हमारे पास कितना है, इतना, तो ये हो जाएगा p = -1/x × 100। तो अब ये जो कनकेव लेंस लगेगा, इसका डॉक्टर जो चश्मा का पावर लिखेगा वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो अगर किसी व्यक्ति को मायोपिया हुआ है तो उसे माइनस पावर वाला चश्मा लगेगा, और ये माइनस पावर बताता है
कि उस व्यक्ति को मायोपिया हुआ है और वो नजदीक का वस्तु देख पा रहा है लेकिन दूर के वस्तु को नहीं देख पा रहा है। तो देखिए, तो मायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट है मानव नेत्र में होने वाला, जिसमें व्यक्ति नजदीक के वस्तु को तो देख सकता है लेकिन दूर के वस्तु को नहीं देख सकता है। मायोपिया होने का कारण है कि मानव नेत्र का जो गोलक है, नेत्र गोलक, वो बढ़ जाता है विभिन्न कारणों से और नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वो घट जाती है, इसलिए निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। इसको दवाई से ठीक नहीं किया जा सकता, इसका ऑपरेशन से ठीक होना संभव नहीं है, इसलिए इसमें फिजिक्स के मदद से इसमें लेंस लगाया जाता है। और इसलिए बायोलॉजी वाले तमाम स्टूडेंट के लिए, बायोलॉजी वाले सभी विद्यार्थी के लिए फिजिक्स महत्वपूर्ण है। फिजिक्स इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए, आप सब कुछ तो कर लिए लेकिन आपको अब डॉक्टर तो बन गए, लेकिन डॉक्टर को चश्मा जो लिखना पड़ेगा लेंस का, वो लेंस क्या है, फिजिक्स में है। और इसलिए अगर उसको जानकारी नहीं होगी फिजिक्स का, तो फिर वो कैसे करके चश्मा लिखेगा माइनस पावर में, प्लस पावर में कैसे। इसलिए इस याद रखना है कि मायोपिया जिसे होता है उसका जो पावर ऑफ लेंस है निकलेगा -1/x/100। तो अगर क्वेश्चन में एक्स का मान दिया होता है न्यूमेरिकल के लिए, पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, इतना डायोप्टर मायोपिया का निकल जाएगा। समझ गए? तो ये था हम लोगों का अभी टाइम, अब कंप्लीट होने को है और आज हम लोगों ने पूरा कर लिया है मायोपिया को। तो हम लोग आज अभी दृष्टि दोष स्टार्ट किए। दृष्टि दोष जो है विभिन्न कारणों से आंख में होता है और दृष्टि दोष 4 प्रकार का होता है। आज हम मायोपिया के बारे में एक्सप्लेन किए, आपको बताए मायोपिया के बारे में 5 बात बताए। पहला डिफिनेशन, दूसरा रिमेंबर, तीसरा काउच, चौथा डायग्राम और 5वां कैलकुलेशन। तो 5 बात मायोपिया के लिए याद रखना है। पहला डिफिनेशन, दूसरा रिमेंबर, तीसरा काउच, चौथा डायग्राम, 5वां कैलकुलेशन। क्लियर है? थैंक यू सो मच। आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं और ये भी कामना करते हैं कि आप मन से पढ़ाई करते जाएं और तेजी से अपने कर्म पथ पर। जो आपका कर्म पथ क्या हुआ, विद्यार्थी का जो कर्म पथ है क्या होता है, पढ़ना लिखना मन से, अपने कर्म पथ बहुत तेजी से आगे बढ़े। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।